हेलो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी और क्विक पुडिंग की रेसिपी, जो आसानी से घर पर मोस्टली होता ही है हर किसी के। ये इंग्रेडिएंट से बनने वाला ये रेसिपी है और टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए चलते हैं इस आसान और बहुत ही टेस्टी क्विक ईजी रेसिपी के लिए। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले ये रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ले लिया है आधा लीटर दूध। ये कोई वेरिएशन नहीं है इसमें कि टोंड चाहिए या फुल क्रीम चाहिए, बस आपको मिल्क किसी भी तरीके का चलेगा। तो ये हमने ले लिया गर्म करने के लिए और साथ में ही हमने आधा कप नॉर्मल मिल्क अलग कर रखा है। और अब जो है इसे 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर हम लेंगे। ये मैंने लिया है वनीला फ्लेवर का, नॉर्मल जो कस्टर्ड कहीं भी मिल जाता है किसी भी शॉप पर, ग्रॉसरी। मिल्क में ग्रेजुअली हम घोल लेंगे और दूध बॉयल होने के पहले ही हम इसे मिक्स कर लेंगे। दूध हमने ल्यूकम होने तक के लिए अभी गर्म करने के लिए रखा है और दूध बॉयल होने के पहले ही अगर हम डालेंगे तो ये कर्डल होने के चांसेस इसमें बिल्कुल नहीं रहते हैं। ये टिप नंबर एक है। अगर दूध खौलता रहेगा उस समय कस्टर्ड पाउडर डालेंगे तो ये जो है कहीं कहीं गुठलियाँ भी बन सकती हैं। और अब इसमें हमने डाल दिया 1/4 कप चीनी और इसकी स्वीटनेस बहुत ही अच्छी थी, हल्का मीठा था और पुडिंग नॉर्मली कम मीठे होते हैं। और आपको बहुत मीठा पसंद हो तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और अब जो है अपने कस्टर्ड पाउडर के मिक्सचर को ग्रेजुअली हम दूध में मिलाएंगे और साथ में हम इसे मिक्स करते रहेंगे। इससे जो है हमारे कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी रहेगी और कर्डल नहीं होगा। और अब जो है इसे एक क्विक बॉयल देंगे। ज़्यादा हमें बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, ये मिल्क पहले ही बॉयल्ड था और फिर कूल डाउन था। अगर आपका दूध उबला ना हो पहले से तो पहले से उबाल करके और उसे ठंडा कर लें। और ध्यान रहे कि इस कस्टर्ड मिक्सचर को तब तक कंटिन्यू स्टिर करते रहें जब तक कि बॉयल ना आ जाए, नहीं तो कस्टर्ड पाउडर कहीं कहीं चिपक सकता है और उससे जो है हमारा ये कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी कर्डल हो जाएगी और उतनी अच्छी फिर कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी, फिर हमें छानना पड़ेगा। तो ये सब जो है अवॉइड करने के लिए कंटिन्यू चलाते रहेंगे। बस मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेंगे, आपको एक बॉयल आने की देरी है, आपका कस्टर्ड जो है ये रेडी हो जाएगा। और देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो गई है, एक बॉयल आ गया है। और अब जो है हम फ्लेम को ऑफ करके और इसे हम ठंडा होने देंगे। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लैडल पर मार्क जो है करने पर किस तरह से कंसिस्टेंसी हो रही है। कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए तभी आपकी पुडिंग अच्छे से सेट होगी, ना ही उसे बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही रनी होना चाहिए। और अब जो है जब तक हमारा कस्टर्ड ठंडा हो रहा है तब तक हम जो है ये मैंगो प्यूरी बना लेते हैं। इसके लिए हमने ये ले लिया है, एक बड़ा साइज का आम है और इसके गूदे को हम निकाल करके और मिक्सर ग्राइंडर में प्यूरी बना लेंगे। और अगर आपको प्यूरी ना करनी हो तो आप इसके चंक्स भी डाल सकते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन हैं। मैंने प्यूरी करके डाला है, उसे पुडिंग जो है एकदम सॉफ्ट सिल्की से स्मूथ बन के आती है। और मैंगो इस तरीके से कट करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से पल्प निकल आते हैं और कोई भी वेस्टेज नहीं होती है। तो इस तरीके से आप एक बड़े साइज का आम लेकर के उसकी प्यूरी निकाल लीजिए। और अगर आम सीजन में ना हो तो कोई भी फ्रूट अपने मनपसंद डाल सकते हैं लेयरिंग के लिए। और अगर वो भी ऑप्शन ना हो तो आप सिंपली कस्टर्ड पाउडर से ये पुडिंग बना सकते हैं। और चूंकि ये आम कम मीठा है तो इसके लिए मैंने 5 टीस्पून इसमें चीनी मिला लिया। और ये डिपेंड करता है आपके आम के टेस्ट पर, आम अगर मीठा है तो इसमें अलग से शुगर मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसे ग्राइंड करके एक अच्छी सी प्यूरी बना लेंगे। और अब लेते हैं ये ब्रेड, है ना ये मैजिक कि घर पर हर किसी के ब्रेड लगभग डेली ही रहती है। तो ब्रेड जो है से हम बनाने वाले हैं ये पुडिंग, जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ये ब्रेड ही है जो हमारे पुडिंग का बेस रेडी करेगा।
और इसके साइड्स के जो ब्राउन पार्ट हैं वो हम निकाल देंगे। और इसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे चाहें तो ब्रेड क्रम भी बना सकते हैं, जो कि आप किसी भी पकौड़े या किसी भी चीज़ में ऐड करेंगे तो उससे वो क्रिस्पीनेस आ जाएगी। और साइड्स हमने निकाल लिए, आप देख सकते हैं, और फिर जो है इसे हम दो पीसेस में कट कर लेंगे। और अब हमने ले लिया ये पॉट, और इसमें अब जो है हम सेट कर लेंगे अपने ब्रेड्स को इस तरीके से। इसी कारण मैंने इसको और हाफ़ में काटा कि साइड में अगर जो है ब्रेड का पीस ज़्यादा बड़ा नहीं आ पाएगा, तो इसलिए हमने और इसे हाफ़ हाफ़ कर लिया था। और ये डिपेंड करता है आपके बर्तन के शेप पर, आप ब्रेड को किसी भी साइज में कट कर सकते हैं। और अब कस्टर्ड हमारा कुछ कुछ ठंडा हो गया है, पूरी तरह से गर्म भी नहीं है और ना ही एकदम ठंडा हुआ है, और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये अभी और जब ठंडा होगा तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो इसे थोड़ा थोड़ा गर्म रहे तभी हम इस तरीके से पोर कर लेंगे। ब्रेड के ऊपर एक ये लेयर हम डालेंगे और इसमें जेनरस अमाउंट डालेंगे, कोई कंजूसी नहीं करेंगे। और जो ब्रेड का लेयर है वो जो मॉइस्चर है कस्टर्ड पाउडर का उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और इससे बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ हमारा पुडिंग का लेयर रेडी होगा। और इस पर अब डालने के बाद में हम नेक्स्ट लेयर बनाएंगे अपने मैंगो प्यूरी की। अगर आपके पास आम सीजन में नहीं है तो आप आम के जगह स्ट्रॉबेरी भी इस पर डाल सकते हैं, या जो भी फ्रूट आपको पसंद हो उसकी एक लेयर इस तरीके से बना सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं डालना है तो आप सिंपली फिर अगेन जो है इस पर ब्रेड की लेयर लगाइए, फिर कस्टर्ड पाउडर डालिए, और अगर कुछ ड्राई फ्रूट अपने मनपसंद के डालने हो डालिए, और सेट कर दीजिए फ्रिज में, आपकी पुडिंग रेडी हो जाएगी। और देखिए मैंगो से जो फ्रूटीनेस, जो हल्का सा टैंगीनेस आएगा ना, ज़रा सा खट्टापन मीठापन फ्रूटी फ्लेवर इस पुडिंग का टेस्ट और भी ज़्यादा एनहेंस कर देगा। और इसकी इक्वल लेयर हम बना देंगे, और फिर जो है हम अगेन ब्रेड को सेट कर देंगे। ब्रेड को इसी तरीके से लेयर बनाने के बाद में, और फिर हम डालेंगे फिर से दोबारा कस्टर्ड की लेयर। और अब जो है जो रिमेनिंग हाफ जो कस्टर्ड है उसको हम पोर कर देंगे पूरा, और इसे पोर करने के बाद में हम लेवल कर देंगे। ये बहुत ही आसानी से, मैक्सिमम आपको 10 मिनट लगेगा ना, बस आपको कस्टर्ड बनाने की देरी है। इतने में जब तक कस्टर्ड ठंडा होगा आपका सारा कुछ रेडी हो जाएगा बहुत ही आसानी से और बहुत ही क्विकली। ये बनने वाली रेसिपी है, कोई गेस्ट आ रहे हो घर पर और उन्हें कुछ स्वीट डिश में देना हो, या जो है आपको डिनर के बाद में खाना हो, ये क्विक बनने वाला डेजर्ट है। बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी, हैवनली टेस्ट आएगा, सबको, बड़े बच्चों सबको पसंद आएगा। और हमने जो है कस्टर्ड सेट कर लिया, इधर उधर थोड़ा सा हिला दिया ताकि लेवल हो जाए, उसे स्पून से, ज़रूरी नहीं है कि आप लेवल अप करें, अभी पतला है तो वो जो है पूरी तरीके से लेवल हो जाएगा। और हमने इसमें अब कुछ चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट डाल दिए, उससे थोड़ा सा क्रंची एलिमेंट भी ऐड हो जाएगा, थोड़ा पिस्ता डाल दिया और काजू। और अब इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। और देखिए ये सेट होने के बाद में एकदम फर्म हो गया है, लेकिन ये फर्म भले हो गया है बहुत ही स्मूथ खाने में है और बहुत ही टेस्टी डेलिकेट सा डेजर्ट है ये। और इसे निकालने के लिए इस तरीके से जो है हम निकाल लेंगे पीसेज में, आप किसी भी तरह से काटिए, ये नहीं है कि जिस साइड में आपने ब्रेड डाली है जितना डाला है उतना ही कटेगा, आप कहीं से भी इसे कट कर सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्विक इजी रेसिपी है, इससे इजी रेसिपी डेजर्ट की आपको जल्दी नहीं मिलेगी। और ये पुडिंग हेवनली है, सबको खिलाइए और बताइए रेसिपी कैसी आई, कमेंट करके बताएं। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।